पुस्तक रिमझिम। विद्यार्थी का नाम, वहाँ आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक शिक्षिका की जगह आपको अपने सर या मैडम का नाम लिखना है। विषय थीम है नए रंग, कक्षा चौथी। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वच्छ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपने कभी कोई नया काम किया है या कुछ नया बनाया है? आइए आज की कार्य पत्रिका को बोलकर पढ़ते हैं और जानते हैं कि बच्चे क्या नया कर सकते हैं। कल होली का त्यौहार है, लेकिन मोटी और दिव्या उदास है। होली खेलने के लिए उनके पास बहुत कम रंग हैं। तभी मम्मी ने कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें नए रंग बनाना सिखाती हूँ। नीले रंग और लाल रंग को मिलाते हैं तो जामुनी रंग बनता है। बच्चे बहुत खुश हो गए। फिर वे अपने आप कई रंग बनाते हैं। तभी मोटी ने दिव्या के ऊपर बहुत सारा रंग लगा दिया और वह नाराज़ हो गई। मम्मी ने समझाया कि होली के दिन सभी एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं, हमें इस दिन दूसरों की गलतियों को माफ़ करके भुला देना चाहिए। सभी बच्चे मिलकर होली का आनंद उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बच्चों, आपका मनपसंद रंग कौन सा है? उस रंग से जुड़ी कोई किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताइए। मुझे लाल रंग पसंद है, ठीक है? और किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताने, जैसे लाल ड्रेस और लाल चूड़ियाँ, बैंगल्स। आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों? तो बेटा, इसका आंसर हमने ये लिख रखा है, एक मिनट दिखाते हैं। मुझे दिवाली का त्यौहार पसंद है, क्योंकि इस दिन हम खूब मस्ती करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के घर भी जाते हैं, रंगोली बनाते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। ठीक है, यह दूसरे का क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तीसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, अपने मनपसंद त्यौहार का चित्र बनाकर उसे सुंदर रंगों से सजाइए। तो हमने यहाँ पे ये देखिए, हमें दिवाली पसंद है तो हमने रंगोली बनाई है, ठीक है? आप भी इस तरीके से रंगोली बना सकते हैं, या दिए या दिवाली का कोई भी दृश्य जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, हो गया। अब आगे देखते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके साथ बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। देखो बेटा, लड़की जो है, जो पीछे है, वो बोल रही होगी, देखते हैं आज कौन जीतेगा। दूसरी बोलती है, आज तो माला ही जीतेगी, ठीक है? ये थी इनकी बातचीत। शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए आदेश। बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में अवश्य बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि हमें जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। बेटा, अपने जीवन में नई नई चीज़ें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती हैं और हमें सीख लेनी चाहिए, ठीक है? ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।